हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़े दिनों के बाद आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। मेरे आखिरी व्लॉग में मैंने बोला था कि ये मेरा आखिरी व्लॉग है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं मम्मी के घर आने वाली थी, इसलिए कुछ दिन की ले ली छुट्टी व्लॉगिंग से, और आज मैं जा रही हूँ वापस से मेरे घर ऋषभदेव, तो इसलिए मैंने आज व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और अभी कुछ देर पहले ही मैं उठी हूँ और अब बस रेडी होने की तैयारी हो रही है। और चिकू आज दोपहर में आने वाले हैं, वही तैयारियाँ करेंगे। और बस यहाँ पर भी कुछ काम ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पर काम निपटाने के लिए आ गए थे। इसलिए मैं यहाँ पर भी व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैं कुछ बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरा भाई है वो भी व्लॉग करता है, इसलिए उसने बोला है कि घर में ही रिवील करूँगा। और अभी बस मैं रेडी हो जाती हूँ, लंच भी बन गया है यहाँ पे, तो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ काम होता है। नहाना वगैरह हुआ कैंसल और अभी हम बना रहे हैं सर्दी के लड्डू। तो आप देख सकते हो इधर घी गर्म हो रहा है, ये सारे जितने भी जो सर्दी के लड्डू में गिरते हैं वो सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर तीनों मम्मियाँ और भाभी वगैरह सब बना रहे हैं, तो इसलिए प्रिपरेशन तो हो गई है कम्प्लीट। अब मिलके बनाएंगे लड्डू ताकि सर्दी का खाना तैयार हो जाए। मैं हो चुकी हूँ तैयार, बाल वगैरह बनाने बाकी हैं और इधर आ गए हैं चिकू मुझे लेने के लिए, पर अभी रूम में ही शूट कर रही, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती हूँ रूम, तो इसलिए खोपचों में जा के शूट करना पड़ रहा है। मैं थी इसलिए मम्मी को बोला चलो थोड़ी हेल्प लग जाएगी, इसलिए सर्दी के लड्डू बना दिए। और चिकू की फेवरेट आज हमने मातर भी बनाई है, यानी इसको क्या बोलते हैं, सुखड़ी भी बोलते हैं, तो जो इनको क्रंची क्रंची पाती है वो मम्मी ने बना दी है। और लेके चलेंगे घर पर, उनको भी खिलाएंगे। आपका मुँह दिखा दो एक्साइटमेंट तो देखो रेडी तो हो गए हैं, अब बस नीचे जा रहे हैं और थोड़ी बहुत जो भी तैयारियां हैं और मेरा जो भी सामान है वो जो अनपैक किया था उसको वापस से पैक कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम आपको आप ब्लॉग्स में कंटिन्यू है तो आपने देखा ही होगा, मैं जब भी कल्याणपुर आती हूँ कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, तो ये चीज़ नहीं हो यूँ करके सारा देख लेती हूँ एक बार। पुरानी लोकेशन वापस से आपको दिख रही होगी, तो आई होप अभी तक का आपने व्लॉग देख लिया होगा जो मैं कल्याणपुर से आई और वो। तो अभी कर देते हैं हमारे दिन की शुरुआत जो रेगुलरली जो व्लॉग्स आते थे उनकी। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 25 दिसंबर और आज है क्रिसमस, तो आप सभी को मेरी क्रिसमस। एंड आज पापा का बर्थडे है, सो आज हम सेलिब्रेट करेंगे। बड़े दिनों के बाद घर आके बहुत अच्छा लग रहा है। और कल रात को हमने मूवी देखी सत्यमेव जयते, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो अभी मैं भी उठ चुकी हूँ, चिकू भी उठ चुके हैं, चिकू गए हैं नहाने के लिए, मैं ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर देती हूँ। और कल मम्मी के घर से आए हैं लड्डू और सुखड़ी, तो वो भी थोड़ी थोड़ी खाएँगे। सुबह सुबह खाने का मज़ा ही कुछ और है, ये सब चीज़ें ठंड में। ब्रेकफास्ट में बन रहा है खसखस का दूध और वो बना रहे हैं बादाम, अभी इसको बॉईल करेंगे पूरा साथ में। ये खसखस का दूध तैयार है और मम्मी के घर पे भी अभी यही सब खुराके चल रही थी, तो वाह रूटीन में ऐसे पी लेते हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब भी जाते हैं मंदिर। फ़ोन और वॉच दोनों चार्ज पे रखा हुआ था, तो वॉच भी पहन लेती हूँ, वॉच भी चार्ज हो गई है। चिकू को कर देती हूँ कॉल और हम दोनों मंदिर जाके आ जाते हैं। जोरदार नहीं है, मैं समझू भी सीधे सीधे ही लगेंगे। यहाँ पर जब हम लास्ट आए थे तब फर्श का काम चल रहा था, और जैसे कि 4-5 दिन में थी नहीं, तो फर्श का काम हो गया है कंप्लीट और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं गणपति जी के मंदिर। अब सामने जाते हैं, शिव जी के दर्शन करके आ जाते हैं। दर्शन हो गए हैं, अब बैक टू वर्क हो जाते हैं अपन, खाना वगैरह सब बनाकर फिर चलेंगे शॉप पर, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद शॉप जाऊंगी अब सब कैसे। अभी आ गई हूँ मैं मंदिर से और मैं और चिकू कुछ नया सोच रहे हैं यूट्यूब के लिए और इंस्टाग्राम के लिए, तो वो आपको कुछ दिनों में क्या 1-2 दिनों में ही देखने मिलेगा। और अभी घर आ गए, घर पे आ गए तो खाना वगैरह सब पका लेते हैं और जो भी ड्यू काम है रूम के, तो जो भी ड्यू काम है वो आज तो नहीं हो पाएंगे, 2-3 दिनों के बाद ही हो पाएंगे, क्योंकि शॉप पर भी अभी गई थी तो काफ़ी सारा
देखना है मुझे। कस्टमर का कॉल आया है कि अभी मुझे एक हेयर कट करना है, सो मैं अभी जा रही हूँ शॉप पर। फिर शॉप पर जाती हूँ, काम वाम करके वापस आऊँगी, फिर खाना वगैरह बना पाऊँगी क्योंकि फिर लेट हो जाऊँगी। एक बार ऑप्टिमान, एक बार एंटोर ने काफ़ी केजर का डिलर लगाया है तुम कह रहे हो तो। हेयर कट निपटाए और अभी चलते हैं घर पे, 12:30 हो गई हैं और खाना वगैरह तो अभी तक बाकी है। मैंने वॉच का ऑलवेज ऑन टाइम बंद कर रखा है, 12:30 हो गई है, तो चिको बाहर वेट करते हैं, चलते घर पे। ईवा को बोल नीचे कूद, मैं पकड़ रही हूँ। ओ बा आज हाथ थे या गुस्सा आ गया अभी तो। सलून पे आ गए हैं और ये अभी मैम का करना है हेयर कट, तो अभी करते हैं इनका हेयर कट। इनको छोटे से लेयर कट करने हैं, तो छोटे लेयर कट करते हैं। ये हमारा हेयर कट डन हो गया है, शॉर्ट हेयर्स कर दिए इनके और लेयर्स कट में कट किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा अच्छा कैसा लग रहा है? बहुत ही प्रिटी, बहुत प्रिटी। हाँ ओके, थैंक यू, थैंक यू। अभी एक और हेयर कट डन किया, आपने देखा ही होगा। एक हेयर कट तो मैं बता पाई, एक हेयर कट मैंने पूछा कस्टमर को पर वो मना बोल रहा था तो नहीं बता पाई, इसीलिए सारा ये मैस हो गया। कल या था तो मैं को बहुत लग रही है थकान, आज थोड़ा रेस्ट करते हैं, कल से जो मेन वर्क है उसके ऊपर काम करेंगे। और अब तो ट्यूटोरियल्स भी आएंगे, मेकअप के ट्यूटोरियल तो बहुत टाइम हो गया बना ही नहीं है, बहुत टाइम हुआ है, हेयर केयर तो हुआ नहीं है, तो ज्योति से डलवा देते हैं ऑयल, क्योंकि अपन तो आ गए हैं यहाँ पर इसीलिए। आज सुबह से नॉन स्टॉप हेयर कट ही कर रहे हैं, हेयर ऑयलिंग करवाई और मुझे थोड़ी देर तो मैंने रेस्ट किया, पर मुझे बहुत ज़्यादा मेरा सिर हैवी हैवी लग रहा है, तो मैं हेयर वॉश करवा देती हूँ, क्योंकि क्या पता किस वजह से हो रहा है, पर हेयर वॉश करवा दूंगी, थोड़ा सही लगेगा, तो अभी करवा देती हूँ हेयर वॉश। काम हो चुका है कंप्लीट, सलून कर दिया मंगल, अब चल रहे हैं घर पर, घर पे जाते हैं। अब देखते हैं क्या प्लानिंग है आज पापा के बर्थडे की। घर पर आ गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, आज क्या पता पूरा दिन बादल थे तो बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ फिर मिलेंगे। अभी तो हम जा रहे हैं होटल और आकर करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट। थोड़ा सा मैं थक गई थी तो मैं सो गई थी, फिर चुको आया, फिर वापस से उठ गई और रेडी तो कुछ नहीं हुई हूँ, बस नई वाली शॉल पापा ने दिलाई है वो ओढ़ ली है, और अभी जा रहे होटल, खाना वगैरह खा के आएंगे और फिर घर पर आके सेलिब्रेट करते हैं। हम घर पे आ गए और घर पे आके देखा कि मिट्टू बाथरूम में घूम रहे हैं, दिखाते हैं आपको। कहाँ चढ़ के बैठा है? आजा। कुछ कचर कचर किया नहीं है कहीं, देख लो ना। बस थक ही गया, बैठ। कितने हो गए हैं? 1000 रुपए। एक बैठे? एक बैठा, एक को डाल देता। डाल दो तेरे को अंदर। डाल दो इसको। मस्ती खोर। ओ वो बोल रहे इसको ले गए, मेरे को नहीं ले जाओगे? को तो सोना ही खाना है, चैन पकड़ने जा रहा है तुरंत। बागड़ी बोल रहा है ये भी। Sanırım ki.
टी शर्ट काणू का। ये हमारा केक। मिट्टू की बातें तो आपने सुनी होगी, फिर मिट्टू की बातें हो गई हैं और अब भी बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। होटल में खाना वगैरह तो खा के आ गए और ये यहाँ पर मैंने केक रख दिया है और अभी पापा को बुलाते हैं। चलो केक तो बर्थडे कटिंग करेंगे। हाँ ऊपर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर पापा, हैप्पी बर्थडे। क्रीम कम लेना। टेस्ट कर रही हूँ कसर। केक तो कट कर दिया है और बस यहीं पर कर देते हैं ब्लॉग का एंड, क्योंकि इतने व्लॉगिंग करके थोड़ा सा अलग लगा और मैंने मेरी फैमिली को इतना ज़्यादा मिस किया, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे और कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी आपने व्लॉगिंग क्यों बंद कर दिया अचानक, ऐसा क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जैसे कि मैंने फर्स्ट में बता दिया था कि मैं मम्मी के घर गई थी इसलिए थोड़े दिन ब्रेक लेना था, और आज करके भी बहुत अच्छा लग रहा है और थकान भी लग रही है। आज क्या पता पूरा दिन मौसम थोड़ा अजीब सा ना, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। पापा का बर्थडे मना दिया है और छोटा सा सेलिब्रेशन था हम चारों के बीच का इसलिए, और बस यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय।